हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप गुप्ता कलावती टेक्नोलॉजी से। दोस्तों, हम एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैं खुद भी इस प्रिंटर में बहुत परेशान हो गया था। मुझे लग रहा था कि इसमें जो फोटोकॉपी की प्रॉब्लम है वो पेपर साइज की दिक्कत थी। मैंने फर्मवेयर अपडेट करने की कोशिश किया, सब कुछ किया, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। आपको एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ। इस पर सबसे पहले तो अपन इसमें पावर केबल लगा देते हैं। प्रिंटर में पावर केबल लगाए, उसके बाद फिर अपन यूएसबी केबल लगा लिए, फिर अपन प्रिंटर ऑन करते हैं। प्रिंटर ऑन होने में, ये प्रिंटर का मॉडल है HP LaserZ M1136 MFP। इसको इनिशलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, अप्रॉक्स 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड। जब अभी ये HP का लिंक ये ग्लोइंग कर रहा है, जैसे ये स्टेबल हो जाएगा इस पर 1 लिखा जाएगा। 1 मीन्स रेडी मोड। जब तक रेडी नहीं होता तो ये अपना इंटरनली प्रोसेस करता रहता है। आप देख सकते हैं जैसे स्कैनर अपने होम पोजीशन सेंस करता है, प्रिंटर सारी चीज़ें अपनी इनिशलाइज करता है। जब सारी चीज़ें उसको ओके मिलती हैं तो यहाँ पे 1 आ जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये जो जिसकी फोटोकॉपी करनी है, ये इसमें ये A4 साइज का पेपर है। इस पे आपका जो प्रिंटर है, इसमें A4 साइज का ये निशान बना हुआ है और लेटर साइज का ये निशान बना हुआ है, और अपना जो ये पेपर है वो A4 साइज है। अपन यहाँ पे A4 साइज में सेट किए हैं, लेकिन जो इसका प्रिंट आउट आएगा वो लेटर साइज में आएगा। लेटर साइज मीन्स ऊपर जो है आपको ये इतना कटा हुआ आएगा। जस्ट चेक कर लेते हैं अपन। ये अपन ने पेपर रखा, सेट किया फोटोकॉपी। जैसे अपन कॉपी करते हैं, प्रिंटर बहुत फास्ट है, देखिए ये इसकी फोटोकॉपी आई। ऊपर देख सकते हैं, अपन कंपेयर करते हैं, ये देखिए ऊपर इसका GST इनवॉइस जो लिखा हुआ है वो छूट गया। वो क्यों छूट गया? क्योंकि ये लेटर साइज में प्रिंट हुआ है। इसका एक सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। कुछ भी नहीं है, अपन फोटोकॉपी की सेटिंग प्रिंटर से कर सकते हैं, लेकिन इस प्रिंटर में आपका डिस्प्ले में कुछ भी सेटिंग नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको USB केबल कनेक्ट करके कंप्यूटर में देखना है। कंप्यूटर में यहाँ पे स्टार्ट पे गए। स्टार्ट पे जाने के बाद डिवाइस एंड प्रिंटर, ये इसका देखिए, आपके कंप्यूटर में प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होना जरूरी है। अपन प्रिंटर का जो ड्राइवर, उस पर राइट क्लिक किए, प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ पे गए। प्रिंटर प्रॉपर्टीज़ में जैसे ही जाएंगे, तो अगर अपने को स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए प्रेफरेंसेस में जाएंगे, लेकिन अपने को स्कैनिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, अपने को आ रही है फोटोकॉपी में, तो फिर अपन डिवाइस सेटिंग में जाएंगे। डिवाइस सेटिंग में देखिए, डुप्लेक्स के लिए सेटिंग यह है, कॉपी सेटिंग के लिए ये ऑप्शन है। देखिए दोस्त, ये पेपर साइज जो है, लेटर साइज है, इसको अपन A4 सेलेक्ट कर देंगे। कुछ भी नहीं करना, A4 सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई, अप्लाई के बाद ओके। ये अपन इसको क्लोज कर दिए। अब अपन प्रिंटर पे आते हैं। प्रिंटर पे जैसी सेटिंग हो गई, प्रिंटर अपने को एक बार ऑफ करना है, फिर ऑन करना है। हाँ, अरे ये देखिए, आपका वापस से पेपर लगा हुआ है, फ्रेश पेपर रखा हुआ है। अपन वापस से रीयूज कर लेते हैं उसी पेपर को, जिससे अपन समझ में आ जाएगा। ये अपन ने लगा दिया प्रिंट आउट पेपर, ये कॉपी। ये देखिए, ये आपका इस पे GST इनवॉइस आ चुका है। आप देख सकते हैं जैसा इसका पीछे का इस पे GST इनवॉइस नहीं आया था, क्योंकि लेटर साइज में प्रिंट हुआ था। इस पे GST इनवॉइस आपका ये आ गया है। आप देखते हैं जो ये फोटोकॉपी किया है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई समस्या आती है प्रिंटर में रीसेट से रिलेटेड, जैसे इंक टैंक वाले जो भी मॉडल होते हैं, HP, Canon और आपका Epson, स्पेशली Epson, आप रीसेट करवा सकते हैं। ऑनलाइन रीसेट सर्विस देते हैं। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। उससे आप हमें कॉल कर सकते हैं 10 to 6 hours।